दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर औरैया जिले के अचलता और पाता रेलवे स्टेशन के बीच कैफियत एक्सप्रेस डंपर से टकरा गई, जिसके बाद इंजन समेत कई डिब्बे पलट गए। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि हादसे में कई यात्री घायल हैं और ऐसे में सूचना मिलने पर रेलवे के अफसर भी मौके पर पहुंचे। साथ ही राहत और बचाव कार्य जो था वो खत्म हो चुका है। बताने की रेल हादसा रात के 2:50 पर हुआ। ये ट्रेन कैफियत एक्सप्रेस जब उछालदा और पाता स्टेशन के बीच से गुजर रही थी, एक गेट नंबर 14 के पास से गुजर रही थी रेलवे फाटक से, तब वहाँ पर एक डंपर जो है इससे टकराया, जो वहाँ इस ट्रेन से, और इसने ट्रेन के को डरेल कर दिया। तो इंजन और उसके साथ के 10 डिब्बे, इंजन और 10 डिब्बे जो हैं डरेल हो गए। अभी स्थिति ये है कि हमारे वहाँ पर जिला प्रशासन का अमला एक्टिव हो गया है, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इलाहाबाद डिवीजन से रवाना हो गए हैं, कानपुर इटावा में हमारा जो रेलवे का स्टाफ है उसको पहले ही रवाना कर दिया है, और ये औरैया डिस्ट्रिक्ट का जिला प्रशासन वहाँ एम्बुलेंसेस पहुँच गई हैं, घायलों को निकाला भी जा रहा है। अभी कोई भी कैजुअल्टी की डेथ की खबर नहीं है। ये LHB रेक है, कोई डिब्बा एक के ऊपर एक चढ़ा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 3 तलाक को लेकर केंद्र को 6 महीने के भीतर संसद में नया कानून बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने 3 तलाक को बताया असंवैधानिक, बहुमत के आधार पर लिया गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक पर दिए गए फैसले पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। पीएम ने कोर्ट को फैसले के बताया ऐतिहासिक, कोर्ट के फैसले से मुस्लिम महिलाओं को मिला बराबरी का हक। सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक के फैसले को सीएम योगी ने ऐतिहासिक बताया, साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, हम पहले ही 3 तलाक के खिलाफ थे, इस फैसले से समाज में 6 महीने के अंदर बदलाव आएगा। मुस्लिम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने 3 तलाक के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये 3 तलाक पर्सनल लॉ बोर्ड का हिस्सा है, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका हम सम्मान करते हैं। बहरहाल जो कुछ भी है उसमें कोई भी बात सही तभी कही जा सकती है जबकि पूरा फैसला हमारे सामने हो, और जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है हमारे सर आंखों पर। उत्तर प्रदेश में जानलेवा बाढ़ से अब तक 72 लोगों की मौत, 24 जिलों में कहर डहर ढा रही है नदियां, 20 लाख से अधिक बाढ़ से प्रभावित। गोरखपुर में डीएम ने सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को बंद करने के दिए निर्देश, 21 से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे विद्यालय। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बिजली चोरी रोकने के लिए नए नियमों को दी गई मंजूरी, वक्फ से जुड़े हर मामले की सुनवाई अब लखनऊ में होगी, पहले रामपुर में होती थी वक्फ मामले की सुनवाई, कमिश्नरियों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। लखनऊ में सपा विधायक राजभवन तक करेंगे पैदल मार्च, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर करेंगे सरकार को घेरने की कोशिश, सपा विधायक राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। लखनऊ में आज भी जारी रहेगा शिक्षा मित्रों का सत्याग्रह, शिक्षा मित्र आज से शुरू करेंगे जेल भरो आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर अड़े शिक्षा मित्र, मांगे नहीं माने जाने पर सड़कों पर उतरने की दी चेतावनी। लखनऊ में एक बार फिर से समाजवादी छात्र सभा की गुंडई आई सामने, दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने वाले MLC सुनील साजन के करीबी हर्ष वशिष्ठ ने गोमती नगर में शराब पीकर पुरम चौराहे पर खुले आम एक युवक को बेदर्दी से पीटा और पुलिस के साथ नोकझोंक भी की और पुलिस को धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है।